पीसी बिल्ड कैसे करना है, कौन सा कंपोनेंट लेना है बजट बिल्ड के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कैसे करना है एक फुल पीसी बिल्ड। ओवरऑल कॉस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो स्किप मत करना, क्या पता आपके लिए काम आ जाए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबिलियन गेमर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं पीसी बिल्ड की, जो कि एंट्री लेवल है 2021 में बजट गेमर्स के लिए ये पीसी है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें हम बात करेंगे कौन सा कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसका प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। इन सब के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर में हमने यूज़ किया है AMD का Ryzen 3 3200G, जो कि 4 थ्रेड के साथ आता है। इनबिल्ट वेगा 8 ग्राफिक्स है इसमें। बेस क्लॉक इसका 3.6 GHz, ओवरक्लॉक कर सकते हैं आप 4 GHz तक। कैश है 3 MB की। TDP है 65W की, जो कि बजट में टॉप की गेमिंग कराएगा। मदरबोर्ड में हमने चूज़ किया है गैलेक्स का A320M मदरबोर्ड। अपडेटेड बायोस के साथ आता है, जो सपोर्ट करता है AMD फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन को। इस मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा PCIe 3.0 स्लॉट, जो आता है M.2 सपोर्ट के साथ। 4 SATA पोर्ट, 12 चैनल DDR4 RAM सपोर्ट करता है। IO शील्ड में आपको 4 USB पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट, 1 LAN केबल पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट और 1 VGA पोर्ट, उसके साथ ऑडियो इनपुट आउटपुट पोर्ट भी मिल जाता है। तो ये बजट मदरबोर्ड है। रैम में हमने चूज़ किया है Corsair Vengeance LPX 8GB 3200 MHz की। क्यों हमने चूज़ किया, उसका रीज़न बता देता हूँ। आप जा सकते हैं 2400 MHz के साथ, लेकिन मुझे ये सस्ता मिला। Amazon पे ऑफ़र चल रहा था तो मुझे अच्छा डील मिला, मैंने ले लिया। आप 2400 MHz के साथ भी जा सकते हैं। हार्ड डिस्क इस बिल में हमने यूज़ नहीं किया है, उसकी जगह पे हमने WD का M.2 SSD यूज़ किया है 240GB का, जो कि एक एंट्री लेवल है। आप इन फ्यूचर 1TB का हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए 240GB हमारा प्राइमरी स्टोरेज होगा। तो PSU में हमने चूज़ किया है एंटिक का VP450+, 440W का PSU, 80% इफिशेंट और 80+ सर्टिफाइड, स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, जो कि बेहतरीन PC है इस बिल्ड के लिए। कैबिनेट में हमने चूज़ किया है चिप्टोनिक्स का MX1 RGB मिड टावर केस, जिसमें आपको एक RGB फैन मिल जाता है, RGB स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा सामने की तरफ, जिसमें आपको 10 कलर चेंजेस मोड्स दिया हुआ है। साइड पैनल में आपको पूरा टेम्पर ग्लास मिलेगा और साथ ही साथ आपको PSU शार्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक ओवरऑल अच्छा कैबिनेट है आपके PC बिल्ड के लिए। तो ओवरऑल कॉस्ट में आ जाते हैं, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, स्टोरेज, PSU, ये सब मिला के आपका टोटल कॉस्ट होता है 25,668 रुपये। और अगर आप प्रोसेसर थोड़ा सस्ता लेंगे 3200G के जगह 2200G, तो आपको 2,000 रुपये कम मिलेगा, ऑलमोस्ट 2 या 1,500 रुपये कम मिल जाएगा। कैबिनेट आप अगर आप थोड़ा सस्ता लेंगे तो आप 400-500 रुपये बचा सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 2,000 रुपये आप बचा सकते हैं। तो 25,000 से घटकर ये 30,000 रुपये आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जब आप PC बिल्ड करते हो 25K 50K, तो वो रेंज होता है सिर्फ और सिर्फ 80% कॉस्ट। उस रेंज में आप 80% अपना बिल्ड करते हो, क्योंकि आपको पेरिफेरल्स भी तो चाहिए, मॉनिटर भी तो चाहिए, वरना आप PC कैसे चलाओगे। अगर ये आपके पास है तो बल्ले बल्ले, आप सीना चौड़ा हो गया, अपने दोस्तों को भी दिखाइए कि मैंने बिल्ड बना दिया। अगर आपके पास नहीं है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मॉनिटर में हमने चूज़ किया है Acer का ED242QR कार्व मॉनिटर, 240 nits वाइट कलर का मॉनिटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसमें आपको एक VGA पोर्ट, एक HDMI पोर्ट में और मिल जाता है। और बताओ, आपको अडेप्टर भी मिलता है मॉनिटर का, पावर अडेप्टर, वो भी बहुत ही अच्छा है। इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मॉनिटर का, अगर आप मॉनिटर में इन्वेस्ट करते हो तो मॉनिटर में एक अच्छे मॉनिटर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो बार बार आप बदल नहीं सकते, या फिर एडिशनल मॉनिटर भी नहीं लगाओगे अगर आप बजट बिल्ड में हो।
तो मोनीटर मेरे ख्याल से अच्छे मोनीटर में इन्वेस्ट कीजिए, ये आपके ऊपर है आप कौन सा मोनीटर लेना चाहते हैं। कीबोर्ड में हमने जेब्रोनिक्स का सस्ता अल्ट्रा चीप कीबोर्ड लिया है और माउस मेरे पास पुराना वाला है एचपी का, तो अब मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा एचपी का माउस मत लेना, कुछ और लेना है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब प्राइस की बात करें तो 10,000 में ये पेरिफेरल्स मॉनिटर ये सब आ जाएगा। फाइनल कॉस्ट जो आपका होगा वो 35,000 होगा, लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड मॉनिटर लेंगे और थोड़े से कॉस्ट एडजस्ट करेंगे तो 29,000 में आपका पूरा पील सी बिल्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या बल्ले बल्ले आप आराम से गेम खेल सकते हैं। अब आ जाता है इम्पोर्टेंट बात पर, इस पीसी बिल्ड में हम ग्राफिक्स कार्ड में हमने कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया क्योंकि ये बजट बिल्ड है और ग्राफिक्स कार्ड ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं। 1050, 1650 या कोई भी ग्राफिक कार्ड जो बजट में आपके बजट में आता है वो आप लगा सकते हैं। वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि इस बिल्ड में हमने कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में बताएं, अच्छे लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।